प्रदेश की योगी सरकार कोरोना के संकट काल में नाकामियों पर चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है। जहां एक ओर योगी सरकार पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और तमाम सुख सुविधाओं के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री परेशान नजर आ रहे हैं। बरेली सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का वो दर्द भरा पत्र तो याद ही होगा, जो उन्होंने सीधे सीएम योगी को लिखा था कि अधिकारी फोन ही नहीं उठाते और ना ही कोई हमारी बात सुनता। खैर, संतोष गंगवार चर्चाओं में थे ही कि अब रुदौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल चर्चाओं में आ गए। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक संजय प्रताप टीकाकरण करवाने जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां की अव्यवस्था देखकर विधायक जी की मानवता जाग उठी और विधायक भड़क गए। पहले डॉक्टर को मानवता का पाठ पढ़ाया, फिर डीएम सौम्य अग्रवाल को वीडियो कॉल करके पूरी स्थिति से अवगत कराया। कौन कह रहा है? कौन डॉक्टर है? कौन कह रहा है लेके जाओ यहाँ से? हेलमेट वाले को बुला लो, जाके पहचान के लेके क्यों मना कर दिया? क्यों लेके जाए यहाँ से? मेडिकल वार्डन बोला हूँ, जाके डॉक्टर साहब थोड़ा हमदर्दी रखो। आज इनके साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। मेडिकल वार्डन से अच्छे से नहीं है, आपके लिए नहीं है। हम मानवता को पीछे रखते हैं। आज इन्हें जरूरत तब तो हॉस्पिटल आए। मुझे सारी क्राइसिस आपकी जितनी हॉस्पिटल की मुझे शाम तक व्हाट्सएप पे चाहिए। आप मेरे साथ चलिए ओपीडी में। भाई यहाँ पे कौन डॉक्टर है? शशाजी साहब, उनको देखने क्यों कोई नहीं जा रहा? सिटी स्कैन या अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा? इधर आओ। कौन है यहाँ देखना? तुम देख रहे हो? कंसल्टेटर के साथ भेज दो यार। तो एक बात बताओ, क्या हम इसके चक्कर में होल्ड रखेंगे? स्कैन है कहाँ? भाजपा विधायक संजय प्रताप ने बाद में बयान जारी किया और कहा कि जिला अस्पताल के हाल बेहाल थे, मरीज फर्श पर लेटे थे, इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने के लिए जो समय तय था उसमें लोग वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद लोगों के भाव ताव को देखने के बाद उसका अस्पताल में मुआयना किया गया, और वहाँ काफ़ी व्यवहारिक रूप से लोगों को असुविधा महसूस हो रही थी। अस्पताल के अंदर लोगों को बेड के अलावा जमीन पे भी सोए थे। ऑक्सीजन के लिए उन लोगों की मांग थी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ट्रॉमा का बहुत गंदा हाल था, बुरी तरह वहाँ मतलब गंदगी थी, और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ है। इस पे हम लोगों ने फिर डीएम को कॉल किया और डीएम साहब को अवगत कराया कि भाई ये व्यवहार है, आप वीडियो कॉल पे आइए और इस अस्पताल की मौका स्थिति देखिए। उन्होंने देखा, मैंने कहा फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भेजिए, और मुझे बड़ा मतलब इससे तकलीफ हुई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवस्था फैली है उससे जनता में आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा, मंडल समीक्षा में अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उसका भौतिक सत्यापन उच्च स्तरीय शासन लेवल की टीम गठित करके करावाएं, जिससे कि कम से कम स्पष्ट हो जाए कि जो उन्हें वर्चुअल बताया जा रहा है और जो भौतिकता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसको सुधारने के लिए सत्यापन की एक टीम गठित होनी चाहिए और मौके पे जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार होना चाहिए। प्रशासन द्वारा शासन को जो पत्र व्यवहार करके समस्याओं के समाधान के लिए जिन चीजों की मांग की जा रही, उन्हें शासन को, जिला प्रशासन या अस्पताल प्रशासन को मुहैया कराना चाहिए, जिससे मरीजों को हो रही सुविधा और जो सरकार की छवि बिगड़ रही है उसमें सुधार हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी
इन्होंने ऑक्सीजन की पाइपलाइन या सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रखा है, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन लोगों को मिले। एक एक कंसंट्रेटर पे तीन तीन लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ऑक्सीजन के अभाव में बहुत से लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और इससे लोगों के साथ दुर्घटना हो रही है। मुझे बहुत खेद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन इस बात की गंभीरता लेगा और जो इसमें दोषी लोग हैं, जो लापरवाही बरत रहे और जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान हो, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। कुल मिलाकर जब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक चिकित्सा व्यवस्था से परेशान है तो आम आदमी के हालात कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।